ऑल राइट गाइस, पिछले कई दिनों से ट्विटर पे हैशटैग मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पे ही नहीं बल्कि यूट्यूब पे भी ट्रेंड करने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे अचानक से हैशटैग मोदी रोजगार दो ट्रेंड कैसे करने लगा, देश में अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने की वजह से ये सब हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे खान सर और अभिनय मैथ्स के रिएक्शन। मीडिया चैनल में जब मैं इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो वहां पे एक फॉर्मर सेक्रेटरी साहब भी बुलाए गए, अनिल स्वरूप जी। उनका कहना है कि ये तो रोजगार मांगने का तरीका ही गलत है। मोदी रोजगार दो क्या होता है? एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पैसे उधार लेता हूं और 100 या 150 बार मांगने के बाद भी नहीं देता हूं, आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? और हमने मोदी रोजगार दो मांग लिया तो गुनाह कर दिया? जब सरकार आई थी तो लोगों ने कहा था, मोदी ने कहा था, मोदी मुझे वोट दो, अब की बार मोदी सरकार आएगा तो मोदी ही। तब डिसेंसी कहां चली गई थी? तब भारत सरकार का नाम बदल के मोदी सरकार क्यों रख दिया गया था? आज से 6 महीने पहले भी हमने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के वीडियो बनाया और ये कहा कि मोदी जी अब रोजगार पे बात करें। उनकी वीडियो को भी डिसलाइक कराया और इससे ज्यादा क्या करते बताओ? गर्म धूप पे जमीन में लेटते हुए संसद भवन तक जाते, क्या करते? यही तो एक तरीका था डिजिटल इंडिया के थ्रू कि हम अपनी बात मोदी जी तक पहुंचा सकें। अब मोदी रोजगार दो मांगना भी गलत है। हर बात पे बात करूंगा। जो लोग कमेंट के नीचे भी लिख करके जवाबदेही मांग रहे हैं कि अगर लोग कहते हैं पेट्रोल का रेट अगर 100 हो गया तो गाड़ी कम यूज करो, ठीक है कम कर लेंगे यूज, कल को अनाज महंगा हो जाएगा तो क्या एक टाइम का खाना खा लोगे? ये बोल दोगे फिर तो तुम कि एक टाइम का खाना खा लेना? युवाओं की जवानी पढ़ते पढ़ते निकल रही है और नौकरी नहीं मिल रही, इस तरीके का सिस्टम हो गया है। क्या युवा प्रश्न पूछकर गलती कर रहा है? आज बेरोजगारी चरम पर है और अगर हमने तेज आवाज में ये कह दिया कि रोजगार दो, उसके बावजूद भी कोई मीडिया चैनल इसको दिखाने को तैयार नहीं है, बल्कि हमें गलत ठहराया जा रहा है। ये एक दिन जीडीपी पे बहस कर रही थी, हमको बड़ा हंसी आया कि भाई साहब जीडीपी पे बहस करने निकले। इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से? जीडीपी 3 टाइप से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। ये पूरा जीडीपी में बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी में बहस हो रहा है। यहाँ पर एक कानून उन मीडिया चैनल्स के लिए भी बना देते जो टाइम पास कर रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मुद्दा मीडिया का होना चाहिए कि बेरोजगारी इतनी भयानक आ गई, लेकिन हमारी मीडिया को भाई साहब कहां से फुर्सत मिलेगी? इन लोगों को तो अभी बंगाल चुनाव कवर करना है। क्या सिस्टम बना दिया है? यहाँ नौकरियां बिक रही हैं, सब कुछ आपके पास तो डिजिटल है, डिजिटल इंडिया है, फिर भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? डिजिटल इंडिया 5G टेक्नोलॉजी आ रही है और इस 5G में हम लोग की कोई वैकेंसी 5 साल से पहले कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। 2018 की SSC 2022-23 में जाके कंप्लीट होगी। 19 में चुनाव से पहले वैकेंसी आई थी रेलवे के लिए, अभी उसका एग्जाम 5 महीने से कंडक्ट किया जा रहा है। वो फाइनल उसकी पूरा का पूरा फाइनल होने में 19 का चुनाव उसी पे हो गया, 24 वाला भी उसी पे हो जाएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम में नहीं है, ये हर एग्जाम का हाल है। ये हम लोग का डिजिटल इंडिया। और आप कह रहे हैं कि काम से रोजगार मिलता है, मांगने से नहीं। तो आप भी वोट नहीं मांगते, आप भी ये नहीं कहते कि वोट दो मोदी सरकार ही आएगी अब की बार मोदी सरकार। आपने भी तो वोट मांगा था। अब अगर हम आपसे कह रहे हैं कि हमें हमारा हक वापस दे दो, आपने वोट क्या क्या के मांगा था? यही कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप पिछले 8 साल में बता दो अगर आपने 2 करोड़ रोजगार दिए। 2017 में प्राइवेट गवर्नमेंट सारा टाइप का मिला के 407 मिलियन रोजगार थे सब, 2017 का बात बता रहा है। 18 में वो 407 से घट के 405 हो गए, 19 में वो 400 मिलियन हो गए सब, यानी टोटल रोजगार आप देखिए घट रहा है। 2020 की हम बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी जहां बोलेंगे गवर्नमेंट तुरंत बोल देगी अरे कोरोना था, कोरोना इसलिए हमने कोरोना को ही हटा दिया। और बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रोजगार खत्म हो गया। अगर पॉपुलेशन बढ़ने से रोजगार खत्म हो जाता, ये जो रोजगार मांगने वाले लोग हैं जो सन 2000 तक पैदा होकर खत्म हो गए थे, ये सन 2000 से पहले की पैदाइश है। और आपके टाइम पे जब पॉपुलेशन बढ़ने की बात आई है तो पिछले 10 साल में जो पैदा हुआ है वो रोजगार नहीं मांग रहा है, ये पहले के लोग रोजगार मांग रहे हैं। और आपने जब 370 हटा दी तो एक कानून पॉपुलेशन पे भी बना देते, किसी ने मना किया था आपको? बट ये कौन सा लॉजिक हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए रोजगार नहीं मिलेगा और आप भूखे मरोगे? इतना दिल दुखी है आज, ऊपर से लोग इतना ज्ञान दे रहे हैं कि ये रोजगार मांगने का सही तरीका नहीं है। अरे भैया फ्रस्ट्रेट हो गए आप, अपने चुनाव के रिजल्ट का 40 दिन इंतजार करो, पागल हो जाते हो? न्यूज चैनल अगर दिखाएं तो जब तक एग्जिट पोल पे ही आपकी निगाह रहती है कौन जीत रहा है। अगर आपका रिजल्ट 4 महीने भी पोस्टपोन कर दिया जाए ना तो दिमाग की दही हो जाएगी आपकी। हम 4-4 साल से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये SSC अपने आप को गजनी समझती है, मतलब जिस तरह गजनी में उसको अपना चीज भूल जाता था कुछ देर बाद, SSC को भी वैसे ही होता है। एप्लीकेशन फॉर्म डाल देती है, पैसे लेके फॉर्म भरवा ली, फिर भूल गए, ओ माय गॉड एग्जाम भी लेना है, एग्जाम लेने के बाद तो रिजल्ट में भूल जाती है। ये काम किस चीज को करने के लिए बैठे, इसका नाम ही चेंज करना चाहिए, सुपर स्कैन कमीशन। कभी इसका क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है।
2015 में नहीं हुआ घोटाला, 2016 में नहीं हुआ, 17 का पेपर लीक हुआ, डेढ़ साल तक मुद्दा चलता रहा, जमीन पे प्रोटेस्ट हुआ, तब जाके ये गुस्सा भटका है। आपको भी पता होगा जब कोई भर्ती निकलती है तो उसके लिए बजट पहले आवंटित हो जाता है और ये भर्ती निकलने के बाद उन भर्तियों को चार चार साल तक टाल देते हैं। आपको पता है कि वो बजट कहां इस्तेमाल होता है? कभी सोचा आपने? भर्ती निकलने से पहले बजट आवंटित हो जाता है, उसके बाद जो उतने लोगों की चार साल में शिक्षक भर्ती मुश्किल से हुई यूपी में, और उसके बाद 28,000 पद आज भी रिक्त हो गए, वहां कट ऑफ पहले जारी हो जाती है, वहां अलग सिस्टम है, वहां युगांडा के रूल चल रहे हैं कि कट ऑफ पहले ही बता देंगे, यहां कट ऑफ 80% से ऊपर जारी है एसएससी में। भैया आपका एग्जाम खत्म हुआ, एग्जाम के बाद आप आंसर की अपलोड कर दीजिए ना, कि 10-1 हफ्ते बाद आंसर की अपलोड कर दीजिए, इससे लड़के को पता चल जाएगा कि हम इस एग्जाम में पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, उसको कम से कम आइडिया तो लगेगा। पिछले बार के कट ऑफ के हिसाब से वो लगभग में एक अंदाजा लगाते। मोदी रोजगार दो का ट्रेंड का सिर्फ इतना मतलब है कि सरकार को ये चेतावनी दी जा रही है कि हमारे बारे में सोच लो, हमारे बारे में बात करो, हमें बताओ कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। अभी 4-5 महीने पहले आपने सीईटी की लॉलीपॉप देके हमें थमा दी, आपने बताया सीईटी में क्या करोगे, उसके बाद आपका कोई नोटिफिकेशन आया कि आप सीईटी में क्या करोगे, जब आपको नोटिफिकेशन निकालना होता है अरीना की बात पे, आप 2 मिनट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगंडा जारी कर देती है। आज आपने बताया सीईटी का प्रोसेस क्या होगा। एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां आप 7 महीने में सब कुछ क्लियर कर सकते हो कि हम फॉर्म निकालेंगे, 2 महीने के अंदर प्री का एग्जाम लेंगे, उसके 3 महीने के बाद मेंस का एग्जाम लेंगे और 3 महीने बाद आपका सिलेक्शन फाइनल देके कह देंगे कि 4 महीने बाद ज्वाइनिंग के लिए आ जाना। क्या ये सिस्टम नहीं हो सकता? एसएससी का कोई कायदे का कैलेंडर नहीं है, इवन हर एक एग्जाम की बात करें किसी को ये नहीं पता है कि अगला वैकेंसी कब आएगी, कब फॉर्म निकलेगा। सन 2018 का रिजल्ट आज तक फाइनल नहीं है, 2017 की सारी ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई, हम 2021 में जी रहे हैं। भाई साहब इतना बेवकूफी कभी हो सकता है कि जो लड़का 200 में 200 पाया उसका रिजल्ट नहीं हो रहा, मतलब 100 में 100% पाने के बाद रिजल्ट नहीं होगा, मतलब क्या चाहता है? एसएससी को भी हैक किया जाए कुछ दिन में, ये भी होगा क्या? होगा, आप लास्ट के 6 महीने में आके कहोगे हमने युवाओं के बारे में ये सोचा है। मोदी जी को हम कितना प्यारा मानते हैं, हाउ ही इज लवली, सो क्यूट, कितने प्यार से बात करते हैं, क्या उनको ये प्यार हमारे लिए नहीं दिखता? क्या हमसे कोई वोट बैंक नहीं पड़ेगा? क्या पढ़े लिखे लोग जाके सिस्टम को नहीं सुधारेंगे? क्या आप हमारा भला करेंगे तो हम जाके उन अशिक्षित लोगों को नहीं बताएंगे कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं? आज इस बात को कह दिया जाएगा, अभी प्रोटेस्ट भी होगा, अगर किसी अपोजिशन पार्टी के नेता ने कमेंट कर दिया तो यह कहा जा रहा है यह पॉलिटिकल आंदोलन है, यह पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, हम यहां गधे बैठे कि कोई भी आके हमें बोलेगा कि हमारा प्रोटेस्ट चलाओ और हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला देंगे। अब अगर राहुल गांधी इस प्रोटेस्ट में आके ट्वीट करते हैं तो हमारी गलती है। मैं कल को उनको पूछूंगा भी कि आपने ट्वीट क्यों किया, वो कह देंगे मैं युवा हूं और बेरोजगार हूं, क्यों नहीं कर सकता, मैं भी आपके साथ हूं, वो भी तो ये कह देंगे। क्या कह सकते हैं? अखिलेश को कल को मैं बोलूंगा, वो कह देगा मैं भी युवा हूं बेरोजगार हूं, और सही बात भी है, बात फिट भी बैठ रही है, मैं कैसे रोक सकता हूं किसी को? मैं कोई मोदी सरकार थोड़ी हूं कि मैं उसका ट्विटर अकाउंट जो है हैक करा दूं। बताइए आप, आज हमारे देश में इतना इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहा है, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम उस इंजीनियर्स का? आज हमारा इसरो वहीं के वहीं है जो नासा को टक्कर दे सकता था। आप कम बुद्धि समझते हैं? मोदी जी तो खुद ही कहते हैं इस देश के युवा में बहुत दिमाग है। 4 करोड़ केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्या जजेज की कमी नहीं है न्यायपालिका में? कहां कमी नहीं है, कमी बस नेतागिरी में ही है। एमपीज की संख्या बढ़ा लो, उनकी सैलरी बढ़ा लो, एमएलए की संख्या बढ़ा लो। हम इस प्रोटेस्ट में हर एक नेता से, भारतीय जनता पार्टी के भी हर एक नेता से ये गुजारिश करते हैं कि हमारा इस प्रोटेस्ट में साथ दो। साथ कैसे दो? मोदी जी को कहो कि युवा परेशान है, हम उस युवा से वोट लेकर ही यहां आए हैं, आप हमारी चर्चा संसद में करो। बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है कि कल परसों में अभिनय चैनल से लाइव ही ना कर पाऊं, माय चैनल विल बी अंडर रिव्यू, जैसे कि लास्ट टाइम भी हुआ था, अभी भी हो सकता है। जिस हिसाब से रिपोर्ट किया जा रहा है, आपने देखा आज कितना पसीना आ रहा है ना, आज आपने देखा कि मोदी गर्लफ्रेंड दो लोग ट्रेंड करा गए। आपको पता है क्यों करा गए? क्योंकि आईटी सेल बहुत स्ट्रांग है। आपको लगता है कि 4-5 विद्यार्थी से जाके कोई ये घिनौना काम करेगा? मोदी जी बहुत प्यार है आपसे, बहुत प्यार है, आपको आइडल मानते हैं, आपके इतनी उम्र में भी इतने यंग दिखने को भी हम लोग कॉपी करते हैं कि कमाल है मोदी जी की एनर्जी, कहां से आती है पता नहीं। देश का बेड़ा गर्क हो गया है सिस्टम में, ये सच बात है। अगर आप गहराई में सोचोगे, आज अगर सभी विद्यार्थी अपने माँ बाप को ये बातें बताएं, ये वीडियो सुनाएं, तो उनको भी समझ में आ जाए कि कितना बड़ा गड्ढा हो गया इस एजुकेशन सिस्टम में।
तो गार्जियन को भी हम कहते हैं कि आप लोग भी मोबाइल निकालिए, ट्वीट कीजिए। अगर अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आज ही डाउनलोड कीजिए ट्विटर और आज से ही ट्वीट करना चालू कीजिए #मोदी रोजगार दो, इसको ट्रेंड कराइए तब तक जब तक कि SSC जो है वो नहीं सुन लेती। मोदी जी के जो सलाहकार भी है ना वो बताइए नहीं करते हैं मोदी जी को। अब मोदी जी को फुर्सत है कि यहाँ कौन सी दिक्कत है, SSC का क्वेश्चन ये तो PMO के ऑफिस वालों का ना काम है, वो नहीं पहुंचाता है सब, चाहे उल्टा सीधा पहुंचा। वरना मोदी जी अगर आप भी SSC वालों का हाल जानेंगे ना तो फिर हम आपको ही बताते, आप भी बहुत हंसेंगे।